पीते हो? कितना पीते हो डेली? डेली दो चार। दो चार पुड़िया पी जाते हो, पीने का कैसा लगता है? तुम कहाँ फंस गए इसमें? मैं थोड़ा बैठ गया, वो उसी में फंस गया। टीवी सब आया था, टीवी देख के डरने लगा कि पकड़ा गया, अभी छोड़ देना चाहिए। मैं जेल में था सर। तो सर जेल में टीवी में देखे हो? अरे भाई ये बहुत तेज है, बदमाश है सबसे। तो फिर भी ठीक है, इसका इलाज नहीं कर रहा हूं। मैं पहले बार आया हूं, पता ही नहीं है ABCD। यहाँ रहूंगा नहीं मैं। अरे यहाँ थोड़ी रहोगे, फिर जेल में रहोगे तुम। यहाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम? फिर जेल में ये मिलता है नहीं मिलता? जेल में है वो तो फिर काम कैसे करें? मोबाइल रखता है क्या जेल में? मोबाइल चलता है जेल में। चलता है जेल में, सही बता रहे हो सर। ये जब तक लेगा नहीं कुछ याद आएगा। जो मारते हैं बता दिए ना, मारेंगे जो मारेंगे उनका भी नाम बता दें। अच्छा है, दोनों को आपस में बड़ी की तरह जो है ना। जी सर, आपस में जोड़ दिया है। हमेशा साथ में ही काम करते थे क्या तुम दोनों? दूसरे का सामान है तुम्हारे पास, तो गलती से आ गया था। गलती से नहीं आया, आया ही नहीं। पुलिस को तुम्हें देख के लगा कि तुम दोनों जो हो काम ये आया कहाँ से पहले ये बताओ? ये नागपुर से आया। नागपुर से आया, तो इतना तो पता है तुम्हें। नागपुर, नागपुर कभी गए हो घूमने? नागपुर घूमने गए? गए हो कौन से राज्य में? बस बस स्टैंड गए हो, बस से पकड़ के। बस क्या करने गए थे नागपुर? सामान लाने नागपुर गए थे। कितने सच्चे सच्चे आदमी हो तुम। नागपुर सामान लाने गए थे, वहाँ कहाँ से सामान मिला आपको? ये सामान कहाँ से मिला? एक लड़का लाके दिया। लड़का लाके दिया, उस लड़के का क्या नाम था? तुम कैसे पहचाने वो लड़का? तुम्हें कैसे पहचाना? उससे कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस से? वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या बोलते उसको? मोबाइल कॉन्फ्रेंस। मोबाइल से वे वीडियो कॉन्फ्रेंस ही है वो? वीडियो मोबाइल कॉन्फ्रेंस, मोबाइल कॉन्फ्रेंस। अरे यार अच्छा साक्षी देते हो मोबाइल के थ्रू। तो तुमको कैसे, किस नंबर से फोन आया कैसे मालूम चला तुम्हें? नंबर में, किस नंबर में? कैसे तुम्हारा उस आदमी से मिले तुम जो दिया तुम्हें ये? हमेशा वैसे देते, हमेशा वैसे ही देते थे। मतलब हमेशा नहीं भैया, पहली बार में गया। अरे भाई हमेशा से पहले आ गए, तुम्हें बेवकूफ मैं ही मिला हूँ क्या भाई? पहली बार गए, पहली बार गए थे, पहली बार में पकड़े गए। ये गलती है ना, पहली बार में नहीं पकड़ा जाता। 8-10 बार करते, लोगों को खिलाते, लोगों को बीमार करते, लोग अपराध करते, तब तुम्हें पकड़ाना चाहिए था। मैं खुद पीता हूँ। इससे पहले भाई, इससे पहले भी पकड़ा चुका। मत करो यार, पकड़ा चुका सर इससे पहले। हाँ मैं खुद कुछ पीते हो? कितना पीते हो डेली? डेली दो चार। दो चार पुड़िया पी जाते हो, पीने का कैसा लगता है? गांजे जैसा। गांजे जैसा? गांजे क्यों नहीं पीते हो फिर? ये क्यों पीते हो? गांजा तो सस्ता है। गांजे का थोड़ा अलग, क्या अलग है इसका? इसका क्या अलग है? थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है मुझे बताओगे? इसको पीते तुम हो, इसको ये भी पीता है। तुम बताओगे? चलो ठीक है, नहीं पीते हो तब क्या होता है? है? इसको नहीं पियो? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो फिर क्यों पीते हो? गलती हो गया ना सर, आदत हो गई। शंकर नगर में मिलता है, लेके लाग लेते पीते हैं। पीने तो एक चीज है, नागपुर से लाना तो गलत है ना। पहले भी जेल गए हो सुना मैंने? हाँ, वो किसी में जेल? अब सेकेंड बार हो गया, दो बार जेल गए होते हो थर्ड बार बोल देते। तुम्हारे जैसे ढीठ और बदमाश, तुम्हारी पहली बार काउंसलिंग नहीं हुई थी ना मेरे से, इससे जो दूसरी बार हुआ है। अभी तुम्हारी दिमागी इलाज भी मैं कर दूंगा, तो उसके बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वादा भी चले गए हूँ सर, मेंटल हॉस्पिटल भी चले गए हूँ। अरे भाई तब भी तो ठीक नहीं हुए ना मेंटल के बाद भी। सही इलाज तो मेरे पास ही मिलेगा। कहाँ गए थे मेंटल हॉस्पिटल? देवादा गए थे इलाज के लिए। कितने दिन रहे देवादा में? 25 दिन। कोई असर नहीं हुआ? कब गए थे इलाज कराने? अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले गए? 2 साल तो फिर यही काम कर रहे हो ने? तुम बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? काशी निशान। काफी, तुम कब से पीते हो ये सब? मैं ज्यादा दिन नहीं हो रहा सर। कितना दिन हुआ? न्यूकमर हो तुम? तुम तो नए? 6-7 महीना हो रहा है। 6-7 महीना तो बिल्कुल नया है, सही बोल रहे हो। अरे फट के फिर गया ये कपड़ा? कंधा गिरी। फट के कंधा गिरी। तो तुम भी नागपुर गए थे लाने? नहीं गए। तो ये बताओ ये लेके तो ये आया, तुम कहाँ फंस गए इसमें? मैं
थोड़ा बैठ गया, वो उसी में फंस गया। बैठ गए? कहाँ बैठे? घर में। तुम्हारे घर में लेके आया ये? मेरा घर में नहीं, मामा के घर में। मामा के घर में? मामा नहीं है, इसका मामा। इसके मामा, उसके घर तुम गए थे? हाँ। और तुम फंस गए? हाँ। क्यों गए थे मामा के घर? इसका भी आधा सामान था। आधा सामान इसका भी था? अरे, सात पीस था मेरा। सात पीस था तुम्हारा? इसका कितना पीस था? उसका नहीं पता। तो सात पीस तुम्हारा, सात पीस लागे क्या करते तुम? पीता मैं भी। पीते? ये भी पीता है। बेचने का काम तुम करते हो, पीते पीने का काम ये करता है। नहीं नहीं, तो कितना तो अकेले से ही पी जाते तुम? ये कितने का लेके आए नागपुर से तुम्हें? ये तो 40,000 का। 40,000 का लाए और 25 लाख में बेचोगे? अरे भाई, 25 लाख कितने बेचोगे? 250 में बिकते हैं सर। 250 में एक पुड़िया? 250 में एक पुड़िया? कितना? 250 पुड़िया है ना भाई। 250 को 250 200 बिकता है तो 250 50,000 में बेचते तुम? पता नहीं है, उतना नहीं मिलता था। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? नागपुर जा रहे हो लाने के लिए, अपने पीने के लिए कहानी सुनाते हो मुझे? कैसे समझाऊं सर, कोई तो भरोसा नहीं कर सकता, पकड़ा लूंगा। तुम जब सच बोलोगे ही नहीं तो कौन भरोसा करेगा? तुम्हारा लाते कैसे थे? यहाँ से नागपुर जाते थे? नागपुर में कैसे मिलता है तुम्हें ये? नागपुर से बस से। नागपुर में बस से गए? बस स्टेशन उतर फिर सामने वाला कॉल किए। सामने वाला कॉल किए? नंबर कहाँ से मिला उसका? नंबर कैसे मिला? सामने वाला दे दिया है। सामने वाला मतलब बुलाया, यहाँ पहुँच गया लड़का करके। हाँ मैं सामने वाले को कॉल किया। वो इतना थोड़ा लाने के नागपुर जाते थे तो? और कौन कौन काम? बहुत है सर, तो बहुत है। कितने दिन चलेगा तुम्हारा ये? दूंगा तो। हाँ 20 एक महीना। एक महीना? और बेच दोगे तो डेली बेच? 15 दिन। हर 15 दिन पे जाते हैं लाने के लिए तो? पिछली बार जेल गए थे कितना दिन रहे थे जेल में? 8 महीने। 7 महीना कुछ दिन रहा था सर। इतने के बाद भी तुम सुधर नहीं रहे हो, तुम्हारे कारण इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हें लगा नहीं तुम्हारे? मैं ही तो भी। तुम कितने लोगों को जानते हो तुम यहाँ पे जो पीते हैं ये? पीते लेते बेचते हैं उसको भी जानता हूँ सर। कितनों को जानते हो? एक एक करके पूछेंगे। कितने पीने वाले, कितने लोगों को जानते हो? पीने वाले को? आधा दुर्ग? ऐसे मत बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, आधा दुर्ग मत बोलो। सबको नहीं बोल रहा हूँ, आधा दुर्ग है। आधा दुर्ग है? तुम्हारा दिमाग फिर से मेंटल हॉस्पिटल को जाने की आवश्यकता है। दुर्ग की आबादी पता है कितनी है? कितनी है आबादी दुर्ग की? इसीलिए तो 17 लाख आबादी है। तो आधा मतलब बहुत लोग पीते हैं? बहुत लोग पीते हैं तुम्हारे हिसाब से। और बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले कम से कम दुर्ग में 10-12 होंगे। कौन कौन है? एक नाम बताओ। पहला बताओ। 10 लाख लोगों को खिलाने के लिए लोग भी जाना चाहिए। अरे सर आ जाओ, जो पूछ रहा हूँ ये बताओ कौन कौन है? 10-12 नाम बताओ फटाफट। मोन्टू को कहाँ का रहने वाला? शंकर नगर। और कौन? चुन उसका भाई। चुन उसका भाई, वो भी शंकर नगर। तीसरा? और तीसरा वो कौन है? बिना इलाज? निक्की वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और निक्की और दीपेश वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और संतराबाड़ी या शंकर नगर? शंकर नगर संतराबाड़ी। और बस 12 आदमी। 10 लाख लोग को खिलाना है तुम्हारे हिसाब से? तो खिलाने वाले लोग भी उतने चाहिए भाई। वाला नहीं था, तीन लोग भी बेचते सर। तो नाम तो पूछ रहा हूँ, नाम बताओगे तब ना। बताया तो सर। चार तो इतने तुम बताओ, इतने लोग याद नहीं आ रहे ना सर। कोई बात नहीं, रिलैक्स करा देंगे। पुलिस का रिलैक्स इतना रिलैक्स हो जाता है, ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो जाओगे। सोनू कौन है? सोनू बड़ा भाई, मौसी का लड़का है। वो भी यही काम करता है? वही करवाता है। कितने लोगों से करवाता है वो? अब मेरे से करवाता था, पता नहीं बाकी दूसरे से करवाता है। कब से करवा रहा है तुमसे ये? ये तो छुट्टा उसके पास ही। जेल था वो है? जेल में कितने दिन रहा सोनू? सोनू तो अभी भी है जेल में ही है। देखो वो जेल चला गया, उसके बाद तो सुधर जाते हैं सर। मुक्ति हो गया वही, बस
पैसा दिक्कत हो गया था, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम आ गया, तुम ये जहर खिला खिला के मार डालोगे। मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करना। अरे भैया बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं इलाज कराने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी ये बेचना शुरू कर दे। मम्मी खत्म हो गया सर, उसके कारण पैसा कारण हुआ है, पैसा नहीं मिला समय। समझ गया मैं, जिसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो चाकू लेके फूली शुरू कर देगा, वो ये ब्राउन शुगर का काम शुरू कर देगा, वो गांजा का काम शुरू कर देगा। किसको कहानी सुनाते हो तुम? नहीं सर, जेल गए उसके बाद भी नहीं सुधरे। इनसे डिटेल में लीजिए कौन कौन लोग करते हैं, ठीक है? सबको पकड़ने। हाँ वो तो गया ही। फिर जेल में जैसे बच्चा 9 महीने में निकलता है ना, पहली बार 9 महीने में निकले, अब फिर सेकंड टर्म निकलोगे? यहाँ रहूंगा ही नहीं मैं। अरे यहाँ थोड़ी रहोगे, फिर जेल में रहोगे तुम। यहाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम? तुमको कोई दूसरे जेल में जाना है क्या? टेस्ट नहीं, नहीं। तो दूसरे जेल भेज देते हैं, ट्रांसफर करके जेल में। कौन से जेल में रहोगे बताओ? बहुत बेकार जगह है। बेकार क्यों है? क्या खराबी है जेल में बताओ जरा, एक दो तीन खराबी बताओ। जेल में पुड़िया मिलता है नहीं मिलता? ये जेल में ये मिलता है नहीं मिलता जेल में? हाँ अभी कोशिश करें कि पैसा वैसा दे तो नहीं मिलता। तो जेल में 9 महीने रहे, आधा छूट जाना चाहिए था। 9 महीने तुम जेल में रहे, 8 महीने तो इसकी आदत तो छूट जाना चाहिए था। हाँ छूट गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर चालू हो गई। बाउंसर से लेता था, बाउंसर भी करता है। हाँ उसका नाम भूल गया था। ये बाउंसर कौन है? बाउंसर ये अपना राजनगर, अभी भी वो पकड़ा है ना छिछोला बॉर्डर में। अभी छिछोला बॉर्डर क्या नाम है उसका? प्रदीप ठाकुर। वो क्या तस्करी करता है? छोड़ देना चाहिए। मैं जेल में था सर। तुम जेल में टीवी में देखे हो? अरे भाई तब तो निकल रहा है ना, कितना तुम्हें तुम्हें लग रहा होगा तुम मूवी स्टार बन गए। नहीं नहीं, अगली बार कोई डॉक्यूमेंट्री बनवाओगे तुम अपने ऊपर। बदनाम हो गए सर। इतना काम किए तो कोई बदनामी नहीं हुई, आज बदनाम हो गए तुम। काम नाम वाला करोगे तो नाम मिलेगा, काम ऐसा करोगे जहर लोगों को बांटोगे तो फिर नाम कैसे मिलेगा? तुम्हारे कारण हजारों युवक जो है वो इसके आदि बन रहे हैं, उनका पूरा करियर खत्म हो रहा है। भिलाई में चितरा देती है बीजी आपकी? भिलाई में चितरा देती है। चितरा? चितरा तीन में। भिलाई तीन में चितरा है। चितरा कौन है? चितरा लेडीज है। लेडीज भी बांटती है? बंडल देती है सीधे के। बंडल लाती कहाँ से है वो चितरा? वो पता नहीं वो कहाँ से लाती है, हम लोग लेने जाते थे। ऐसा? वहाँ से जैसे हम लोग पास नहीं थे, नहीं था तो इमरजेंसी है वहाँ भागते थे। उसके बाद हमेशा रहता था क्या? एनी टाइम। एनी टाइम रात में 3 बजे जरूरत पड़ी तो 3 बजे? नहीं 3 बजे रात, दिन में। दिन में कभी? शाम तक। शाम तक 8-9 बजे जो है सच बता। सच तो बताओगे ही भाई, झूठ बता के क्या उखाड़ लोगे मेरा? जब पकड़ ही लिया मैंने तुम्हें, तुम्हें उसमें पूरा डिटेल लिखा है क्या क्या बोला उसने। अरे डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा तुम्हें, इतने लोगों ने कभी वीडियो बनाया तुम्हारा पहले कभी? जेल में जाना तो देखना यूट्यूब पे, ठीक है? सर इससे पूछिए कि स्कूल कॉलेजों में सर, स्कूल कॉलेजों में सप्लाई होता है तो इसका कोई नेटवर्क है क्या? स्कूल कॉलेज बेचते हो क्या तुम लोग? स्कूल कॉलेज, कॉलेज के बच्चे लेते हैं क्या? कॉलेज के बच्चे, कॉलेज वाले क्या लेते हैं? नहीं पता। तो कैसे लोगों को तुम देते हो जो तुम्हारे खरीदते हैं? किस टाइप? हमारे टाइप। तुम्हारे टाइप का? किस टाइप के हो तुम लोग? किस टाइप के हो तुम लोग? अभी बता दो हमारे टाइप पे, टाइप बताओगे ना अपना, कौन से सैंपल हो तुम लोग? स्कूल कॉलेज वाला कोई कोई नहीं लेता। माल कौन मंगाया था? सोनू सरदार है? सोनू सरदार मंगाया था ना माल? ये माल तो जेल में है ना, सोनू जेल से ही संभाल। जेल से कैसे कर रहा है सोनू सरदार काम? जेल में है वो तो फिर काम कैसे कर रहा है? मोबाइल रखता है क्या जेल में? मोबाइल चलता है जेल में? चलता है जेल में, सही बता रहे हो, जेल में मोबाइल चलेगा ही। अधिकार है, कौन सा नंबर चलता है इसका नंबर भी लेना। और अभी रेड मारिए जेल में भी, और मोबाइल जब सर मेरे को मार डालेंगे जेल में। तुम तो वही जा रहे हो ना यार, तुम मोबाइल रहेगा तो बात करोगे ना मोबाइल में तुम उनसे? जेल में मार डालेंगे सर। यार काम ऐसा कियो कि जाएगा, जेलर को लिखें कि इनको सुरक्षा भी मुहैया कराएं जेल में, ठीक है?
जेल में इनको सुरक्षा डालेंगे, पूरा देख रहे होंगे घर को। हाँ हाँ, जेल में मोबाइल पे कैदी लोग पूरा देखते हैं पूरा। सही बात है, यूट्यूब में नहीं टीवी में, टीवी में देखते हैं। मोबाइल भी रखते हैं, मोबाइल में उनका 3G 4G काम नहीं करता क्या? नहीं, छोटा मोबाइल रहता है, छोटा मोबाइल रहता है, मल्टीमीडिया सिर्फ बात करने के लिए, और वो 2400 घंटे बात करते हैं उसमें, कभी कभी बात करते हैं। पता तो रहे हो 9 महीने यार, क्या बात कर रहे हो? जब जोत पड़ती है तब बात करते हैं। कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती क्या मोबाइल की? मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है? मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है? लेके जाते हैं ना वो लोग, रखते हैं छिपा के रखते होंगे। हाँ, छिपा के, कहाँ पता नहीं कहाँ रखते हैं। नहीं, कैसे मिट्टी कहीं छिपाते होंगे? तो रहे हो ना 8 महीने, तुम भी तो बात किए घर में। बात किया हूँ, मेरे को लाके पैसा में करवाते हैं बात। पैसा में बात होता है? कितना लगता है 1 मिनट का बात करने का? 1 महीने का 2000, महीने का 2000 लगता है बात करने का। अच्छी सर्विस है, 2000 रुपये बात करने का लगता है। और क्या क्या जी का पैसा लगता है? और क्या क्या जी का पैसा लगता है जेल में? तो बात करने का 2000 लगता है, और कोई खर्चा नहीं है? खाना पीना रहना सब फ्री है? खाना पीना कोई फ्री नहीं, सब पैसा, सब पैसा। क्यों, किसी का पैसा है? खाने पीने में क्या पैसा? पैसा लेते हैं ना सर। ऐसा तो पैसा जमा करके जाना फिर जी, पेटीएम करना पड़ता है ना उसके लिए। कहाँ कुर्सी पास करते पेटीएम पैसा? पेटीएम से पैसा वसूली किसको किसको करते हो? किसको करते हो? किसको करते हो पता नहीं, किसके में जाता है बस इतना। कौन मांगता? कौन है मांगता? कौन है पैसा? वो सर मांगता कौन है पैसा? किसको देते? किसको जिससे वो लोग खरीदोगे जो मतलब बात करोगे। चलो कोई बात नहीं, तो बहुत एक्सपर्ट आदमी हो। एक बार आयो तुम्हें दूसरी बार की जेल की में रहने के लिए पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। जेल में तुम अच्छा होली मनाओ, रंगों की होली रहे तुम्हारी जेल में। जेल में होली वोली खेलते हो नहीं खेलते? बीवी प्रेग्नेंट है तो इस तरह का काम ही नहीं करना चाहिए था ना। खत्म हो गया, 2 दिन हुआ है। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। अभी जज साहब के पास पेश करेंगे, जज साहब को सारी कहानी सुनाना। देखो काम ऐसा करो ही नहीं कि जेल जाना पड़े। 8-9 महीने तो अगली बार फिर निकलोगे तो फिर मत करना। क्या पता नहीं, ऊपर से गिरा क्या? आसमान से बारिश होती है वैसे ये भी गिरता है क्या ऊपर से? और सजा तो देखो बराबर है। पिछला भी दूसरा लगा था, मेरे भी लगा दिए थे। ऐसा पिछली बार? पिछला भी दूसरे का साथ था। ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। हाँ? मेरा कुछ नहीं था। अरे अभी तो तुम बोले नागपुर चलाया, अभी बोले नागपुर चलाया तू। हाँ तो मेरा भी था, मतलब पूरा नहीं था। तो और किसका था बता दो? और किसका था? है ना शिवपाला में। शिवपाला में कौन कौन है बताओ? ये माल कितने लोग का था यार? ये माल कितने लोग का था? माल लोग 4 लोग का था। कौन 4 लोग? मैं, बबलू, बबलू, बबलू यादव, बबलू यादव, और बबलू यादव वही, ये और एक और है। क्या नाम है? क्या नाम है? पोतन। चलो क्या पोतन? पोषण, 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 पोतन। कोई बात नहीं, उन दोनों को भी तुम्हारे साथ जेल में भेज देंगे जिससे तुम्हारा आनंद रहे। जब चारों ने मिलके किया तो चौकी में काम कर। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका शंकर नगर का नाम ब्राउन शुगर नगर रखते क्या? हाँ वो कुछ सोच रहा है। ये बहुत तेज है, बदमाश है सबसे। ये तो फिर भी तो ठीक है, इसका इलाज नहीं कर रहा हूं। मैं पहले बार आया हूं, पता ही नहीं है ABCD। ये इसकी आदत ही नहीं पड़नी चाहिए थी ना भाई। ये ABCD सब पे एग्जाम है। और ये फादर दो और नाम बताओ, उसको ही पकड़ लेंगे, चिंता मत करो। तुम एसपी साहब का वीडियो नहीं देखे अभी तक? ये देखो वीडियो देखा फिर भी नहीं सुधरा। मेरा वीडियो देखे हो कभी? कहाँ पे? कहाँ पे देखे? फेसबुक पे देखे, यूट्यूब पे देखे, कहाँ देखे? जो पब्लिक ऐप में आता है, पुलिस वाला कुछ में देखा? हाँ पब्लिक ऐप पे देखे। तो अपना नहीं देखा, तेरा तो खुद लिए थे साहब ही, तेरे को ही पकड़े थे ना साहब। हाँ, पकड़े थे ना। हाँ, तो अपना भी कहाँ पे? यही बार ब्राउन शुगर में, यही पकड़े,
याद ही नहीं है सर, एक बार आ चुका है सर, ये जब तक लेगा नहीं कुछ याद आएगा। छह जून तो भी 8 महीने, मेरा भी टाइम हो गया है, याद दिला दिया, 10 महीने हो गए मेरा भी। अभी निकले कब से बाहर? जनवरी में निकला था, डेढ़ महीना हो गया है। 1.5 महीने में 13 जनवरी को निकला। नागपुर कितने दिन गया 1.5 महीने में? कितनी बार नागपुर गया हो 1.5 महीने में? दूसरा बार था। ये लोग फुजरेंगे नहीं, नहीं सुनूंगा क्या। मैं रिकॉर्ड खराब कर दिए, देख लो सर, अब नहीं करूंगा। मेरा पहले आदमी हो तू, लेकिन उस टाइम पीसी नहीं होता था। तेरे को जेलर जरूर सुधार। लेकिन इसे आप रेट लिस्ट ले सकते हो सर, जेल में मेरे को दिक्कत ना, मारते बहुत। साहब लिख रहे हैं सुरक्षा मोबाइल करा रहे हैं, लिखेंगे ना, लिख के देंगे उनको, ठीक है। मारते सर, नाम लिख के देना उस सब कैदियों को, पहले समझा दूंगा, काउंसलिंग कर दूंगा उन कैदियों की। मारते क्यों है तुमको वहाँ? कौन कौन मारेगा यार, उसका भी नाम क्यों मारते? बता दिए ना, मारेंगे जो मारेंगे उनका भी नाम बता दे। नहीं वहाँ पे जिन मारेगा बता दिया तो मारेगा, सही बात है। मोबाइल सबका जब्त हो गया तो सब नाराज होंगे तुम्हारे ऊपर, नाराज होगा प्लस। और वो खाने पीने का जो पैसा लगता था, वो खाने पीने का पैसा भी लेंगे अब तो, डबल हो जाएगा। मारेगा फ्लेवर फ्लाईओवर की फ्लेवर क्या बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना के मार। चार हेलीकॉप्टर पकड़ के दोनों इधर पीछे सब तरफ मारते, क्या चीज से मारते? फ्लेवर डंडा आता है। अब मेन क्या बात है कि इसका मोबाइल ही जब्त हो गया बाकी लोगों का, तो इस पर बहुत टूट पड़ेंगे सब। क्यों? अब सबका मोबाइल पकड़ा जाएगा जेल में, सब नाराज होंगे तुमसे। नहीं, इतना मत डरो तुम यार, मार देगा सर कोई नहीं। नहीं, लिख के देंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे तुमको, करवा देंगे बिल्कुल। और खाने पीने का पैसा मत देना, बात कर लूंगा मैं, ठीक है? और क्या क्या मिलता है? फ्री अलग मिलता है, फ्री अलग। अच्छा, इसको अलग खाना, पैसे वाला अलग है, दोनों को अलग डिमांड रहती है ना। अब मान लो चिली चिकन खाना है, फास्ट फूड अलग पैसे से मिले। और क्या क्या सुविधा मिलती है जेल में? बीड़ी का क्या रेट है? बीड़ी का माकुर दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में दो ब्राउन शुगर तस्कर को पकड़ा गया, जिनके पास से 25.4 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा गया, जिसकी बाजारी कीमत 25 लाख आंकी गई है। इसमें से एक तस्कर पहले भी 2022 जून में जेल गया था, 8 महीने जेल में रहने के बाद छूट के निकला, दोबारा अभी पकड़ा गया। ये लोग सोनू जो इनका मास्टरमाइंड है, जो जेल में रह के तस्करी कर रहा है, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट में रहते थे और नागपुर से तस्करी किया करते थे। नागपुर में मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोग जो है तस्करी को अंजाम दिया करते थे। मोबाइल डिटेल से CDR में मोबाइल नंबर पर जांच करने के बाद नागपुर के बड़े तस्करों को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ये लोग बेसिकली शंकर नगर एरिया में जो है पार्क, इनके करीब 300 से 400 लोग हैं जो नशे के आदि हैं, उन्हीं को ये लोग बेचा करते थे, नागपुर से लाया करते थे, शंकर नगर इलाके में बेचा करते। स्कूल कॉलेज में कम है, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा जो गांजा कैनबिस की खबर ज़्यादा आती है, जो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ज़्यादातर जो आदि लोग होते हैं, जो 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 हीरोइन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके वही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का भी इलाज कराया जाएगा और जो तस्कर है उनको पकड़ा जाएगा।